हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और 1977 में नासा ने दो इंटरप्लैनेटरी मिशंस प्लान की, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। पर इनकी जर्नी बस शुरू ही होने वाली थी कि उनमें बहुत ही अब्रप्टली एक लास्ट मिनट एडिशन हो गया। नासा के साइंटिस्टों ने उनमें गोल्डन रिकॉर्ड को ऐड किया, जिसमें थे हमारे पृथ्वी के कुछ बहुत ही रैंडम फोटोज, जैसे कि इंडिया का ताजमहल, पाकिस्तान का ट्रैफिक जैम, डीएनए का स्ट्रक्चर, सिडनी का ओपेरा हाउस, म्यूजियम्स, इंसानी फीटसेस, एक वियर्ड सा आइलैंड, एक एस्ट्रोनॉट और एक वियर्ड सी झोपड़ी। लेकिन आखिर क्यों? वेल, ध्यान से सुनना इसे, क्योंकि ये शायद आपको थोड़ा सा साईफाई लगने वाला है। बट ये इसीलिए डाला गया था ताकि स्पेस में अगर कोई भी एलियन लाइफ है तो इसे वो देख सके और उसे इंसानों के एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम पड़े, जिससे वो हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे। पर एक सेकेंड, अगर नासा को इस गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए एलियंस को एक मैसेज भेजना था तो नेचुरली उसने कुछ ऐसे इमेजेस चुनने चाहिए थे जो कुछ सेंस बनाए, राइट? बट ये इमेजेस तो एकदम ही रैंडम है, और ऐसे टोटल 116 इमेजेस है उस डिस्क में, गोल्डन रिकॉर्ड में। सो आखिर इन 116 इमेजेस को चुनने के पीछे नासा का असली मकसद क्या था, या फिर लेट मी रीट्रेट इन अनदर वे, नासा के सिलेक्शन के पीछे आखिर लॉजिक क्या था? वेल, जब हमने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तब हमें पता चला कि एक्चुअली ये 116 इमेजेस काफी सोच समझकर चुने गए थे, और नासा हर इमेज से एलियंस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहता था। एंड वेल, ऐसा मेरा नहीं बल्कि गोल्डन रिकॉर्ड को बनाने वाले साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने खुद इन इमेजेस के बारे में अपने बुक में डिस्क्राइब किया है और ये सब बातें कही है। इनफैक्ट आज के इस वीडियो में हम यही एग्जैक्ट चीज कवर करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मे भी गोल्डन रिकॉर्ड के बारे में तो सुना है, लेकिन उन्होंने कार्ल सेगन की बुक नहीं पढ़ी होगी और उसके पीछे छुपे हैं वो एग्जैक्ट रीजन कि गोल्डन रिकॉर्ड क्यों बनाया गया और वो इमेजेस को चुनने की वजह क्या थी। और इसीलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच टिल द एंड। तो देखो, हुआ कुछ यूं कि 1977 में जब वॉयेजर मिशंस प्लान हो रहे थे, उस समय नासा साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन के सामने अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज था। आउट ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ऐसे 116 इमेजेस को चूज करना जो पूरी पृथ्वी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, जिनमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, बट एट द सेम टाइम वो किसी भी एलियन स्पीशीज को समझने के लिए एकदम आसान और सिंपल हो। पर सवाल ये था कि शुरू कहां से करें। So, उन्होंने क्या किया? Well, उन्होंने अपने आप को एक एलियन की जगह पर रखकर देखा और सोचा कि अगर उन्हें किसी अननोन एलियन सिविलाइजेशन से कोई गोल्डन डिस्क मिलता तो उनके दिमाग में सबसे पहला क्या सवाल आता? ऑब्वियसली, राइट, कि ये रिकॉर्ड एग्जैक्टली किस सिविलाइजेशन ने भेजा, इसका क्रिएटर कौन था। और इसीलिए कार्ल सेगन ने भी यही सोचा कि क्यों ना हम भी खुद को इंट्रोड्यूस करने से ही शुरुआत करें, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इन आर्ट इमेजेस से शुरुआत किया। अब इन इमेजेस के जरिए उन्होंने ह्यूमन स्केलेटल स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है, उसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ये सब कुछ एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, और इन ऑर्गन्स को चलाने के लिए हमारा नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम कितना जरूरी है, इन सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम तो मिसिंग है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो साइंटिस्टों ने अपने गोल्डन रिकॉर्ड में ऐसे और 9 पिक्चर्स को अलग से ऐड, जो हमारे जेंडर से लेकर उसका पॉपुलेशन बढ़ने में जो रोल है, ये सब कुछ कवर किया। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से फर्स्ट इमेज में बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेल और फीमेल सिंबल्स के साथ स्केच किया है, और फिर अगले इमेज में उन सिंबल्स का क्या मतलब है ये बताया, एंड देन तीसरे इमेज में बताया कि मेल के स्पर्म्स कैसे फीमेल एग के साथ फ्यूज होकर उसे फर्टिलाइज करते हैं, और फिर उनके फ्यूज होने पर एग में सेल्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे शुरू होता है ये दिखाया गया है इन द फोर्थ स्टेज। इसके बाद इस मल्टीप्लिकेशन से एक फीटस डेवलप कैसे होता है ये बताया गया है अगले दो इमेजेस में, एंड देन फाइनली ये पूरा प्रोसेस एक ह्यूमन शरीर में कहां होता है और वो फीटस कैसे बाहर निकाला जाता है, उसके लिए उन्होंने ये दो इमेजेस दिखाए। यानी कि गाइस, अगर आप एक एलियन हो तो यहां तक आप ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि इस गोल्डन रिकॉर्ड को क्रिएट करने वाला क्रिएटर आखिर कैसा दिखता होगा। इसके अलावा उन एलियंस के लिए दो चीजें और क्लियर हो गई होगी, पहले हम इंसान अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं, और दूसरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में लव का, रोमांस का कॉन्सेप्ट क्या है। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर ना एक काफी रिलेटेबल वेब सीरीज भी रिलीज हुई है, हाफ लव हाफ अरेंज्ड। इसमें काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक 30 साल की डॉक्टर रिया प्यार में कम्प्लीटली फेल होने के बाद डिसाइड करती है कि वो सीधा शादी करेगी, लेकिन एक अरेंज्ड मैच मेकिंग सेटअप में। 30 में शादी प्लान करी थी ना, 30 में ही होगी। और इस वेब सीरीज में डॉक्टर रिया मैच मेकिंग का सहारा लेती है और अपने मिस्टर परफेक्ट को ढूंढने में लग जाती है। मुझे अच्छा लड़का मिलेगा ना, शादी ब्याह तुझे मजाक लगता है। अब आगे क्या होता है और डॉक्टर रिया की जिंदगी में कौन आता है, इसका जवाब आपको इस वेब सीरीज में मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सीरीज, काफी एंटरटेनिंग और रिलेटेबल है क्योंकि मानवी गागरू की एक्टिंग काफी नेचुरल है। तू नहीं करेगा मुझसे शादी?
फिर तो मैं कुंवारी मर जाऊंगी ना। एंड ऑफ कोर्स करण वाही का कैरेक्टर भी आपको काफी इंप्रेस करेगा। इफ द फ्रेंडशिप इज वर्थ सेविंग तो बात कर लेनी चाहिए। इन फैक्ट फॉरगेट एक्टिंग, अगर इस सीरीज के सिर्फ म्यूजिक और सिमरप्रीत सिंह के डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये काफी वेल एग्जीक्यूटेड रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है विद अ वेरी मसालेदार ट्विस्ट एट द एंड। अगर ऐसे नमूने हैं ना मार्केट में, मैंने नहीं करनी शादी। सो तुरंत जाओ और Amazon Mini पर इसे फ्री में देखो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो एंजॉय। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो जैसे कि आपने देखा, अब तक जितने भी इमेजेस हमने कवर किए, अगर एलियंस उन्हें सही तरीके से डिसाइफर कर पाए तो उन्हें हमारे बारे में एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में ह्यूमंस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, मेल और फीमेल के रूप में, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारी एनाटॉमी कैसे होती है और हमारे बच्चे हमारे शरीर के अंदर कैसे ग्रो करते हैं। नाउ सुनने में ये सेकंड पॉइंट काफी इररिलेवेंट लग रहा होगा, पर जरा अपने आप को लेट्स से सुपरमैन में दिखाए गए क्रिप्टॉन ग्रह के जीवों की तरह इमेजिन करके एक बार देखो, जो पॉड्स में अपने बच्चों को पैदा करते हुए दिखाए गए। खैर anyway, अगर कोई सिविलाइजेशन हमारे बारे में ये जान लेती है कि हम अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं, सो देन द नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन वुड बी कि हम एग्जैक्टली बने किससे हैं। And now to answer this question, जो कि aliens के दिमाग में आएगा, NASA ने सबसे पहले ये image 14 को चुना। इस image में जैसे आप देख सकते हो, उन्होंने left side पर universe के सबसे common elements like hydrogen, carbon, oxygen और phosphorus के atomic structures दिखाए हैं, और फिर इन्हीं atoms में से एक यानी कि carbon के long chain structures को उन्होंने इस image के right half में दिखाया, suggesting कि इन सभी elements में से carbon वो element है जो हमारे लिए सबसे important था। और आगे उन्होंने बिल्कुल वही चीज अगले दो images में बताया। उन्होंने कार्बन के उन लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स को रेफरेंस लेते हुए ह्यूमंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल डीएनए का एक इमेज बताया है, ताकि अगर उन एलियंस के शरीर में भी कोई सिमिलर स्ट्रक्चर हो तो वो आसानी से रिलेट कर पाए। अगर सपोज वो रिलेट नहीं भी कर पाते, बट उन्हें उस स्ट्रक्चर का हमारे बॉडी में क्या लोकेशन है और क्या पर्पस है वो जानना तो बिल्कुल जरूरी होता, और इसीलिए नासा ने उन 116 इमेजेस में से इसे भी इंक्लूड किया। ये इमेज बताती है कि डीएनए बॉडी के सेल्स में मौजूद होता है और हमारे इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए सेल्स के साथ वो भी मल्टीप्लाई होता है। यानी कि ऑल इन ऑल अब तक देखे इमेजेस को अगर हम समराइज करें तो हमने एलियंस को एक ह्यूमन सेल से लेकर एक कंप्लीट ह्यूमन स्ट्रक्चर, उसके पीछे की पूरी प्रोसेस और फिर वो अपनी तादाद कैसे बढ़ाता है, इस सब का एक कंप्लीट पिक्चर बताया। और यही वजह थी कि 2021 में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने इन फोटोज का स्ट्रॉन्गली विरोध किया था बाय सेइंग कि नासा का गोल्डन रिकॉर्ड ह्यूमैनिटी को रिस्क में डाल सकता है, विच इज काइंड ऑफ ट्रू, राइट? हम इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एलियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, लाइक ये ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है जो कि एलियंस के हाथ लग सकती है और हमें नहीं मालूम कि उन एलियंस का क्या मकसद हो सकता है। खैर, अब इन इमेजेस को देखकर किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के दिमाग में ह्यूमंस की एक अप्रोक्सीमेट इमेज बन चुकी होगी, लेकिन अगर आप एक एलियन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अब भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था कि क्या ये गोल्डन रिकॉर्ड भेजने वाली सिविलाइजेशन एक फ्रेंडली सिविलाइजेशन है कि नहीं। नाउ टू आंसर एंड इंसिनुएट दैट, नासा ने इन इमेजेस को ऐड किया। इन इमेजेस में आप देख सकते हो नर्सिंग, पेरेंटिंग, फैमिली बॉन्डिंग और ग्रुप स्टडी के जरिए ह्यूमंस के केयरिंग साइड को पोर्ट्रे किया गया है, पर ये इमेजेस भी इतने साधारण नहीं है। अगर आप इस लास्ट इमेज को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे ये बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं वो एक ग्लोब है, पर ये तो सिर्फ हमें पता है ना, सो नेचुरली वो एलियन सिविलाइजेशन क्यूरियस होगी कि ये बच्चे किस चीज को स्टडी कर रहे हैं। अब इस सवाल के जवाब में नासा ने बहुत ही स्मार्टली इस इमेज के बाद ये इमेज प्लेस किया है, ताकि एलियंस को पता चले कि ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो बेसिकली अपने खुद के प्लैनेट को स्टडी कर रही है, क्योंकि अगर एलियंस भी हमारे ही तरह किसी दूसरे प्लैनेट पर रह रहे होंगे तो उन्हें इस इमेज को देखकर ये प्लैनेट है वो तुरंत समझ में आ जाएगा, और ये उन्हें और भी ज्यादा क्यूरियस बनाएगा हमारे प्लैनेट को लेकर। नाउ उनकी इसी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए नासा ने अलग इंतजाम करके रखा है। उन्होंने पृथ्वी की जियोलॉजी को बताने के लिए इन इमेजेस को शामिल किया, जो उन्हें अर्थ के एवोल्यूशन का एक परफेक्ट आइडिया दे, मतलब कैसे लैंड मासेस एक सिंगल कॉन्टिनेंट से अलग होकर शेप में आए। देन ये इमेज जो कॉन्टिनेंट्स का एक जूम्ड इन पिक्चर देता है कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज्यादा है और कैसे ये कॉन्टिनेंट्स पानी पर फ्लोट हो रहे हैं, और फिर इन लैंड मासेस पर जूम इन करने के बाद कैसे ये लैंड मासेस रॉकी स्ट्रक्चर से घिरे हुए हैं उसे ये सीरीज ऑफ इमेजेस बताएगी, और इसी तरह उन्हें पृथ्वी के नेचुरल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा कि वो उनके लैंडिंग के लिए सेफ है या नहीं। बट क्या ये पृथ्वी और उस पर मौजूद लाइफ की कंप्लीट इमेज है? वेल, अब तक बताई सभी इमेजेस से सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है कि पृथ्वी पर लैंड, वाटर और सिर्फ एक ही टाइप के जीव एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए पृथ्वी की डाइवर्स लाइफ
एलियंस को दिखाने के लिए उन्होंने ये सीरीज ऑफ इमेजेस को ऐड किया, और लास्टली उन्होंने एक कलेक्टिव इमेज डाली ताकि उन एनिमल्स के कंपैरिजन में ह्यूमंस की साइज का पता चल सके। इनफैक्ट उन्होंने एनिमल्स के साथ एक इंसेक्ट की इमेज भी डाली, एंड दैट टू विद अ ट्विस्ट। तो देखो, उन्होंने जानबूझकर इंसेक्ट की इमेज में फ्लावर्स को भी इंक्लूड किया ताकि एलियंस उस इमेज को इन इमेजेस से रिलेट और कंपेयर कर सके। अब ये इमेजेस डालने के पीछे उनके दो मोटिव्स थे। पहला ये कि एलियंस को आइडिया है कि पहले दिखाए गए एनिमल्स कहाँ रहते हैं, और दूसरा उन्हें हमारे सीजंस लाइक स्प्रिंग, ऑटम और विंटर का भी पता चल सके। सो अब तक हमने जितने भी इमेजेस बताई उससे उन्हें हमारे लैंडस्केप के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का भी एक रफ आइडिया आ जाएगा। लेकिन ये सभी नेचुरल प्रोसेसेस से बनी हुई एक दुनिया है, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है, और इससे ये पॉसिबिलिटी भी है कि एलियंस हमें उनके कंपैरिजन में एक प्रिमिटिव स्पीशीज समझे। इसका मतलब अगर हमारे इंटेलिजेंस को दिखाना है तो कुछ ऐसी इमेजेस भी भेजनी होगी जो हमें एक इंटेलिजेंट स्पीशीज की तरह दिखाए। और एग्जैक्टली यही वो विचार था जिसके तहत नासा ने गोल्डन रिकॉर्ड में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ताजमहल जैसे विशालकाय मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड किए, और ये भी बताया कि उसे हमने यानी इंसानों ने कैसे बनाया। लाइक इस इमेज में जैसे आप देख सकते हो कि एक इंसान है जो ब्रिक्स की मदद से चार दीवारें तैयार करके कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है जो पूरा होने के बाद बैकग्राउंड में दिखाए घर की तरह दिखेगा। देन ये इमेज रिप्रेजेंट करती है कि सिर्फ वॉल्स नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन में मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी के तहत सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं, और फिर ये मेहनत करने के बाद हम एक झोपड़ी से मकान, मकान से मॉन्यूमेंट्स और मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स से शहर, ये सब कुछ बनाते हैं। नासा ने तो हमारे ये शहर रात में कैसे लाइटअप होते हैं ये भी बताया, और उसी के साथ एक सुंदर सनसेट की इमेज को भी डाला है ताकि एलियंस हमारे पृथ्वी का डे टू नाइट का ट्रांजिशन भी एक्सपीरियंस कर सके। सो फ्रेंड्स, अब तक बताई गई इमेजेस को अगर शॉर्ट में रिकॉल करें तो नासा ने इन इमेजेस के जरिए यहाँ नेचुरली फॉर्म होने वाले लैंडस्केप्स, हमारे पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी, हमारे रहने का ठिकाना, और सबके ऊपर इन ठिकानों को बनाने में हम जो क्रिएटिविटी और फिजिक्स का तड़का इस्तेमाल करते हैं ये सब कुछ दर्शाया। लाइक इस म्यूजियम वाले इमेज को जरा ध्यान से देखो, इसमें हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी को दर्शाया गया है जो है क्यूरियोसिटी। इसमें लोगों का एक ग्रुप किसी एंशियंट एनिमल के बोन को देख रहा है और उसके ही पीछे वो बोन्स किसके है उस एनिमल की इमेज लगाई गई। इसी के साथ अगेन इस इमेज को देखो, और वापस से नासा ने इसमें भी ह्यूमन क्यूरियोसिटी को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इस इमेज से वैसे तो दो इन्फेरेंसेस निकलते हैं। पहला ये कि ह्यूमंस चिंपैंजीज को स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा ये कि चिंपैंजीज एक डोमिनेंट स्पीशी है और इसीलिए ह्यूमंस उनसे डर के छुप रहे हैं। पर एलियंस इसे मिसइंटरप्रेट ना करे इसीलिए उन्होंने इसके तुरंत बाद इन हंटिंग के इमेजेस को भी डाला है ताकि एलियंस ये समझ सके कि पृथ्वी पर सिर्फ एक ही डोमिनेंट स्पीशी है और वो है ह्यूमंस। अब इसके बाद एक नेचुरल सवाल उठता है कि ह्यूमंस हंटिंग कैसे करते हैं। अब उसका जवाब देने के लिए उन्होंने ये इमेज ऐड किया, सो दैट इन दो इमेजेस से ये कनेक्शन निकल सके कि ह्यूमंस नाइफ जैसे टूल्स के जरिए हंटिंग करते हैं। लेकिन ये टूल्स सिर्फ हंटिंग के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग कारीगरी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, उसे बताने के लिए उन्होंने ये अगली दो इमेजेस भेजी है। और इस एडवांसमेंट में अकेला बंदा नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का हाथ है, उसे दिखाने के लिए उन्होंने ये इमेज भेजी। और फिर इस एडवांसमेंट के चलते ह्यूमंस ने अपनी डेली एक्टिविटीज को आसान करने के लिए ऐसे कई सारे टूल्स बनाए, ये स्टोरी भी प्रेजेंट की है। लाइक फॉर एग्जांपल इस इमेज को देखो, इसमें ये पिता अपने बच्चे की ओर आंखें पॉइंट कर रहा है और बच्चा कैमरे की ओर देख रहा है। अब इससे कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन ये डिड्यूस कर सकती है कि हमारी आंखें शायद एक सेंसरी ऑर्गन है। बट देन जब वो ये इमेज देखेंगे तो इसमें एक इंसान ने अपनी आंखों पर एक लेंस पहना हुआ है, प्रोबेबली बेहतर तरीके से देखने के लिए। इसी के साथ ही फिर ये इमेज दिखाती है कि इस लेंस को अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इन सब से क्या साबित होता है? जस्ट वन थिंग, कि इंसान अपने सेंसरी ऑर्गन्स की काबिलियत बढ़ाने के लिए कुछ टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो उनके सेंसरी ऑर्गन्स का ही एक्सटेंशन हो और ये टूल्स वो अपने इंटेलेक्ट से खुद डिवाइस करते हैं। पर क्या ये काबिलियत हर एक इंसान में है? वेल, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। और इस डाइवर्सिटी को भी दिखाने के लिए फिर नासा ने इन तीन इमेजेस को चुना। इससे एलियंस को ये भी पता चलेगा कि ह्यूमंस के फेशियल स्ट्रक्चर्स और ह्यूमंस में रेशियल डाइवर्सिटी भी काफी प्रोमिनेंट है। बेसिकली इस इमेज में आपको लाइंस दिखाई दे रही है, वेल ये इस यूनिवर्स में डिस्टेंस नापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे रिलायबल ऑब्जेक्ट्स यानी कि पल्सार्स है, जो कि पल्सार्स होते हैं उनसे हमारे सन की दूरी को दर्शाया है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि इन लाइंस के ऊपर बाइनरी कोड में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि
अगर इन कोड्स को एलियंस ने डीकोड किया और ये पता लगाया कि यूनिवर्स के किस लोकेशन में पल्सार्स का ऐसा पैटर्न मौजूद है, तो वो उन सभी पल्सार्स के बीच में हमारे सन को इजीली लोकेट कर पाएंगे। और फिर जैसे ही वो सोलर सिस्टम की लोकेशन का पता लगा लेंगे, इमीडिएटली उसके बाद इमेजेस अपने आप सेंस बनाने लगेंगे, क्योंकि उनमें साइंटिस्टों ने सन, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर की तस्वीरें डाली है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, उन्होंने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट से पृथ्वी की दूरी कितनी है इसका भी एक चार्ट ऐड किया है। यानी कि इन सभी इमेजेस का उन्होंने एक सेंस बनाने की कोशिश की, उन्हें कनेक्ट किया, तो वो हम तक वाकई में पहुंच जाएंगे। बट फ्रेंड्स, नासा को ये मैसेज भेजकर आज 46 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन हमें अब तक एलियंस का कोई सिग्नल नहीं मिला। सो क्या यूनिवर्स में एलियंस एग्जिस्ट भी करते हैं, और एटलीस्ट हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में? वेल, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है इन द कमिंग फ्यूचर, लेट्स से इन कमिंग 100 इयर्स, क्या हमें कोई एलियन का सिग्नल मिलेगा? विल सम काइंड ऑफ एलियन स्पीशी कम दिस साइड सीकिंग फॉर ह्यूमंस? व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट्स में बताना। बट स्पीकिंग अबाउट एलियंस, रिसेंटली डू यू नो मैक्सिकन रिसर्चर्स को 2,000 साल पुराने लाशें मिली है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो एलियंस है। इनफैक्ट उन पर किए सभी एक्सपेरिमेंट्स भी इसी तरफ दर्शाते हैं कि वो दोनों एलियन बॉडीज ही है। अब आखिर इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, कैसे वो लाशें पृथ्वी पे मिली और सभी लाशों से एकदम डिफरेंट है, और असली सच्चाई क्या है, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट। और दोस्तों, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू वॉच हाफ लव हाफ अरेंज्ड, एब्सोल्युटली फ्री ऑन Amazon मिनी टीवी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।